नमस्कार, कैसे हैं आप। 22 जुलाई 2023 को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जज साहब सुनवाई कर रहे थे। एकाएक एक एक्यूज्ड को कोर्ट में देखकर वो चौंक गए। दरअसल वो देश का सबसे खूंखार जिंदा आतंकी यासिन मलिक था। यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एकाएक देखा गया। यह वीडियो वायरल होने लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में वीडियो बनाना भी गैर कानूनी है, लेकिन वो चूंकि वहां तक मोबाइल उपलब्ध होता है, वहां तक उस परिसर तक बहुत हद तक मोबाइल से वीडियो बन जाता है, लेकिन लगभग मिनट भर का यह वीडियो जब वायरल हुआ तब तक कोर्ट लग चुकी हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए आतंकी को देखते हुए चौंक गई। जो मिलोर्ड लंबा लंबा ज्ञान देते थे, वो मिलोर्ड एक आतंकी को कोर्ट में देखकर इसलिए चौंक गए क्योंकि यासिन मलिक को उन्होंने कोई वारंट नहीं जारी किया था। लोअर कोर्ट में आमतौर पर किसी की पेशी होती नहीं एक्यूज्ड की, तो फिर इतना बड़ा आतंकी, जेकेएलएफ का सुप्रीमो यासिन मलिक सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया। हाथ पांव फूले मिलोर्ड के, तो उन्होंने अपने सुप्रीमो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के पास यासिन मलिक को भेज दिया। चंद्रचूड़ साहब भी चौंके, लेकिन वो बॉस हैं, गार्जियन थे, तो उन्होंने इस मामले पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछताछ की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवी राजू ने बताया कि हमने इसे बुलाया ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल भी चौंक गए देख करके कि आतंकी कैसे आ गया। तुषार मेहता के इस बयान से सुप्रीम कोर्ट भी चौंक गया, फिर हुआ कैसे। दरअसल हर किसी को पता है कि तिहार जेल दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, केजरी उसके बॉस हैं। इसीलिए सिसोदिया से लेकर के कि जब गिरफ्तारी हुई तो सौरभ भारद्वाज जो केजरी के मंत्री बने, उन्होंने कहा तिहार जेल तो अपना है, वहां खातिरदारी होगी। और खातिरदारी की एक तस्वीर देश ने देखा कि केजरी के मंत्री वहां अपने अंग प्रत्यंग में मालिश करवा रहे थे, मौज ले रहे थे। भले ही दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर में हो, लेकिन तिहार जेल दिल्ली सरकार के अंदर में है, केजरी उसके सुप्रीमो है। तो फिर सवाल उठने लगा, क्या केजरीवाल ने जानबूझ करके आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। इस मामले की इंक्वायरी के आदेश दिए गए तो तिहार जेल के 4 वरिष्ठ अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। मामले की जांच जारी है। ये 4 बड़े अधिकारी में एक उपाधीक्षक हैं, 2 सहायक अधीक्षक हैं, 1 हेड वार्डन है, और इस पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन अब तक उस पर चर्चा नहीं हो रही कि 22 जुलाई को जब एक आतंकी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, उससे ठीक 2 दिन पहले उसी आतंकी की बेटी रजिया सुल्तान, 11 साल की एक बच्ची, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक मंच पर भाषण दे रही थी। वो वीडियो ठीक उसी दिन, उससे 1 दिन पहले वायरल किया गया। कश्मीर से जारी इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जारी इस वीडियो में उस लड़की के बयान सुनिए। हमने उसके चेहरे को इसीलिए ढक दिया है क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है, लेकिन यह वीडियो सर्वसुलभ है। जरा रजिया सुल्तान के उस जहरीले बोल को सुनिए। रिस्पेक्टेड स्पीकर एंड वर्दी मेंबर्स ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रजिया सुल्तान, द डॉटर ऑफ Kashmir, the daughter of Yasin, who is the greatest symbol of resistance against Indian atrocities in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. My father, Yasin Malik, representing all Kashmiris, has been struggling against Indian illegal occupation, human rights violations in Jammu and Kashmir since 4 decades. He is struggling for the resolution of Kashmir dispute as per UN Security Council resolutions. I, Razia Sultan, daughter of Hudiyat leader Yasin Malik, today I have come to Muzaffarabad. Yasin Malik is renowned globally as a symbol of resistance
and peace struggle for Kashmir. Now things have evolved in such a way that the Prime Minister Modi has shackled my father in a cell where he is sentenced to death. Yasin Malik, who sacrificed everything, including health, family, wealth, for the sole purpose of freedom for Kashmir. He stands as a symbol of resistance against a mighty army. I was only 2 years old when I met my father. I have now turned 11. I miss my father like anything. I crave to hear his voice. I would like to take this moment to send a message to Prime Minister Modi from Muzaffarabad, Azad Kashmir, that my father is a beacon of light for the cause of Kashmir. This death sentence is a measure to bring down his courage and determination in the Kashmir cause. Let it serve as a reminder that Kashmir stands beside my father. I pray to Allah to bless my father with a long life. I am hopeful in the mercy of Allah that my father will be released from this fake case and will be amongst us soon, inshallah. I would love to meet my father and spend quality time with him. It is now a high time when all Kashmiris must support my father as he dedicated his entire life to the cause of Kashmir. My father prefers Kashmir struggle over his family. Today, let my voice carry the message for Prime Minister Modi that if my father is harmed in any way, I will blame you. How can such measures be considered democratic? Giving a death sentence to Yasin Malik is a stigma on the face of India. I, daughter of Yasin Malik, daughter of Kashmir, request on behalf of my father's dedication for the cause to raise a voice against this injustice. I dedicate my entire life to the cause of Kashmir. I request UN and all international human rights organizations to make it possible for me to meet my father and put an end to this death sentence. Following the footsteps of my jailed father, I reject India's legal actions of 5th August 2019 and express grave concern over Indian attempts to introduce demographic changes and presence of more than 9 lakh Indian forces inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Let's raise slogans together. Hum kya chahte hain? Azadi. Hum leke rahenge? Azadi. India se lenge? जी, रजिया सुल्तान यासिन मलिक की बेटी है और वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहती है क्योंकि उसकी अम्मी भी वहीं की है। यासिन मलिक ने शादी भी मुजफ्फराबाद की एक महिला से की और अब यासिन मलिक का जहर उसकी बेटी के अंदर है। और वो भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, आपने सुना, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात कर रही है और ये कह रही है कि मोदी जी हमारे पिता, हमारे अब्बू को छोड़ दीजिए, वो उनके ऊपर गलत आरोप लगाया है, गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन यासिन मलिक के एजेंडे को लेकर के वो कश्मीर को हम लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, आज़ादी, यूएन हमें सपोर्ट करे, ऐसी बातें करती है। उसके बाप को भारत सरकार ने इस टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, देश के खिलाफ आतंक चलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार 2017 में एफआईआर दर्ज करने के बाद हुई जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। लेकिन उसका आतंक का खौफ तो 90 के दशक का है। 90 के दशक में शुरुआत में इसी यासिन मलिक ने कश्मीर घाटी में 4 एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी। कश्मीर फाइल्स फिल्म में उसकी कहानी दिखाई गई है। यासिन मलिक उस समय में उतावला था, उदंड था, उम्र कम थी तो आतंक फैलाता था। 90 के दशक में इसी के आह्वान पर, इसी गैंग के, इसी के JKLF और इसके सुप्रीमो के आह्वान पे वहाँ से बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई और कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से अपना घर बार छोड़ना पड़ा।
समय बीते, उसके बाद इसने गांधीवाद का आवरण ओढ़ लिया और फिर ये भारत सरकार, सोनिया सरकार में दामाद बन गया। मनमोहन सिंह इसे प्राइम मिनिस्टर निवास बुलाने लगे। यही यासिन मलिक गिरफ्तार किया गया 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में, और 2022 में इसे उम्र कैद की सजा हो गई। इसके ऊपर अब कई तरह के केस हैं। 90 में एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या का मामला है, सीबीआई जांच कर रही है। 1989 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अपहरण का आरोप इसके ऊपर है, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, ताकि आतंकवादियों को छोड़ा जा सके, इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री का अपहरण किया गया। इस देश के पहले गृह मंत्री हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, पहला मुख्यमंत्री, मतलब पहला गृह मंत्री जो मुस्लिम था। और जब वो गृह मंत्री बना, आरोप लगा कि उसने अपनी बेटी का ही अपहरण कर दी, करवा दिया। लेकिन सच क्या है ये साफ नहीं हो पाया। गृह मंत्री की बेटी के अपहरण के कीमत देश को चुकाना पड़ा, कई आतंकवादियों को छोड़े गए, ये सब इसके पीछे यासिन मलिक था। आज उसी रुबिया सईद की बहन, उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बहन घाटी की राजनीति करती है, नाम है महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हुई है। तो सवाल ये कि जो व्यक्ति इतना खौफनाक आतंक को घाटी में अंजाम दिया, वो मनमोहन सरकार के दौर में भारत सरकार का दामाद बन गया, मानो प्रधानमंत्री निवास पे उस आतंकी को लाया गया जिसने चार चार एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या कर दी, जो भारत के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण का आरोपी था, जिसने कश्मीर में इतना आतंक मचाया, अब सालों बाद उस पर शिकंजा कस रहा है, वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन तिहाड़ जेल का मालिक केजरी है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि एक आतंकी सुप्रीम कोर्ट में आ गया? क्या यह महज इत्तेफाक है कि आतंकी सुप्रीम कोर्ट में उस दिन आया जिससे मात्र दो दिन पहले उसकी बेटी रजिया सुल्तान का जहरीला बयान आया? क्या ये विजुअल दुनिया भर में इस फैलाने के लिए? क्या इसके पीछे वो शरारती हाथ है? क्या ऐसे लोग हैं जिसने पंजाब में खालिस्तानी आतंक को सपोर्ट किया? खालिस्तानी आतंकी के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें आई कि किस तरह से वो एक खालिस्तानी आतंकी के घर पे चुनाव से पहले ठहरे थे, और ये बात उन्हीं के मित्र रहे कवि कुमार विश्वास ने कही। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार आतंकी को भेजने के मामले की जांच हो रही है, चार ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हुए हैं, इस मामले की जांच डीजी तिहार कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कोई राजनीतिक खेल है? ये टाइमिंग चौंकाने वाला है कि यासिन मलिक की बेटी जहर उगलती है, मात्र 11 साल की बच्ची इतनी जहरीली है, वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है, आप साफ देख रहे होंगे कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है, लिखी हुई स्क्रिप्ट, और अपने पिता को बताया जा रहा है, कह रही है कि फंसाया गया है, लेकिन वो कश्मीर की आजादी की बात कर रही है। तो क्या जो लोग ये कह रहे थे कि पंजाब अलग हो जाएगा तो हम वहां के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या वो कश्मीर के अलग होने पर प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं? केजरी के लिए उसी कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। हमने कहा कि एक गैर सिख पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, फिर हम अलग पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये बात सार्वजनिक जगह पे कुमार विश्वास कहते हैं। इसीलिए ये भय बढ़ता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है? एक आतंकी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? इसकी जांच सिर्फ अधिकारियों तक रहेगी या दूर तलक जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।